लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। भजन संध्या कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हुआ विवाद और साथ ही हुई मारपीट। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायूपुर तुलसी विहार का है मामला। और बता दें कि तंदूर वाले की बुकिंग को लेकर भड़ी थी बात। जी हां, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए हैं घायल। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र हिमायूपुर तुलसी विहार निवासी 45 वर्षीय कृष्ण गोविंद पुत्र तुलसीराम के यहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भजन संध्या के कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी। उन्होंने तंदूर वाला बुक किया था, उसकी कहीं और भी बुकिंग थी। तभी दूसरा पक्ष जिसके यहाँ बुकिंग थी वह आ गया और तंदूर वाले से विवाद हो गया, जिसके बीच में कृष्ण गोविंद और उनके परिजन आए और साथ ही कार्यक्रम हो जाने के बाद बात करने को कहा तो झगड़ा हो गया। इस पर बात भड़ी और दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। दोनों पक्षों से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों का उपचार किया गया है। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। नाम आपका? शिवम चंदेल। क्या बात, मारपीट किसने की आपका? जी, बात ये हुई थी कि हमारे घर पर चल रहा था प्रोग्राम भजन संध्या का और वहाँ पे हलवाई लगा हुआ था, तो चार पांच लोग पीछे मोहल्ले में से पता नहीं कहाँ से गली में से हिमायूपुर के थे, वो लोग आए हलवाई से आके कुछ बातचीत उनकी थी, कुछ बहस वगैरह करने लगे, तो जाके वो पापा ने जाके बीच बचाव कराया, तो वहाँ पे जाके हलवाई को वो लोग मारने पीटने लगे, उनके कुछ होगा आपस का। जब बीच बचाव कराया, पापा ने बोला भी कि इनसे भी आप बात करो, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम चल रहा है, उसका काम लगा हुआ है, तो काम ख़त्म होने के बाद आप चाहे ले जाना, आप इनसे अपना जो भी हिसाब हो वो करना, यहाँ अभी कोई उदम मत करो। तो इस चीज़ में उन लोगों ने बहुत उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगे और फिर उसको हलवाई को फिर जाके पकड़ने खींचने लगे और जाके फिर जब छोटे भाई ने मेरे ने बीच बचाव कराने को किया तो उन्होंने लेके उसको खींचा मारने के लिए, उसको मारने लगे। इतने में पापा को खींचा, पापा ने बीच बचाव कराया हम लोग को भी, उसने फिर आगे जाके जब उन लोग को भगा दिया, आगे जाके उन लोगों ने हम लोगों को भी ईंट पत्थर फेंकना चालू करे, जिसमें कि हाँ ईंट पत्थर से मारा है, बाँसों से डंडों से मारा है। हम लोग पाँच छः लोग घायल हैं और सबके सिर पे गहरी हाथ पैरों पर गहरी चोटें लगी है, बहुत बुरी हालत कर दी। मेला फूल डोल समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। 12 मार्च 2020 को 217वीं बार एक भव्य मेले का आयोजन मोहल्ला कोटला राजाराम विधायक जी की मूर्ति के पास किया जा रहा है, जिसमें सभी नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। कृपया मेले में पधारकर मेले की शोभा बढ़ाएं। संदीप तिवारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद की तरफ से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित गुप्ता राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी भाजपा अध्यक्ष एज ए ब्लड डोनेशन क्लब यूथ ब्लड संयोजक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पार्षद देश दीपक यादव नगर निगम फिरोजाबाद नगर के सभी सम्मानित नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी नगर वासियों से अपील करता हूँ कि इस होली पर रंग और गुलाल से बचकर रहें। अब स्वयं और अपने बच्चों को रंग और गुलाल से दूर रखें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे बचाव रखें। मैं डॉक्टर दिलीप यादव MLC आगरा फरीदाबाद क्षेत्र। इस पावन पर्व पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने जिले के सभी वासियों को, प्रदेश के वासियों को, और ईश्वर से दुआएं करते हैं होली का त्यौहार पूरी तरह से अमन चैन से मनाएँ और खुश होकर मनाएँ और इस सावधानी के साथ मनाएँ। वर्तमान में जो बीमारी चल रही है चाइना से आई है, उस बीमारी को नज़र में रखते हुए अपने परिवार में ध्यान रखें, कहीं कोई बीमारी का असर हमारे परिवार में ना आ जाए। और जो होली खेलें उसमें भी रंग का ध्यान रखें और जो बच्चे छोटे छोटे कीचड़ की होली खेलते हैं उसमें भी ध्यान रखें, कहीं कोई किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस बीमारी पैदा ना हो जाए। ये त्यौहार इस तरह का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिससे गले शिकवे दूर होते हैं, बुराइयाँ दूर होती हैं। और इसी के साथ पुनः अपील, हम सब लोग मिल करके हिंदू मुस्लिम मिलकर होली मनाएं। और ये फिरोजाबाद शहर और फिरोजाबाद जिला ऐसा है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर के व्यापार भी करते हैं, व्यापार के साथ साथ त्यौहार भी एक दूसरे के, ईद हो या होली हो या दीपावली हो, सब एक दूसरे मिलकर के मनाते हैं। और इसी तरह से हम खुशी से मनाएं और अपने इस त्यौहार को पर्व की तरह पूरी तरह से
मनाकर घर में खुशहाली का माहौल पैदा किया। अनार सिंह कुशवाहा जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलमाला राठौर पार्षद सतीश राठौर पार्षद पति वार्ड नंबर 36 नगला पचिया की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुर्गपाल सिंह डीपी यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी होली पर सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली पर सभी लोग रंगों की होली न खेल के फूलों से होली खेलें, कींच मिट्टी वाली होली से बचें और सारे लोग फूलों की होली खेल के अपना होली का ये उत्सव मनाएं। और इस विषय पर जनपद वासियों को मैं ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। कमलेश यादव यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इकरा कॉन्वेंट स्कूल सैलई प्रयावास की तरफ से शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गोपाल जी ज्वेलर्स सुहाग नगर चौराहा भीम नगर रोड फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री व राजस्थान प्रभारी हिंदूवादी नेता पंडित हरदेश शर्मा व समस्त युवा वाहिनी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ यादव इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राहुल जैन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष अग्रवाल पूजा ग्रुप ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को व मक्खनपुर नगर पंचायत को मुकेश राठौर और अनार सिंह कुशवाहा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा इको व्हील्स होली के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भारी छूट। इस होली से शुरुआत करें, पेट्रोल का झंझट खत्म करें, 2 साल की पेट्रोल में गाड़ी घर ले जाएं। हमारा पता बरी का नगला चौराहा।